बिल्कुल अल्टीमेट मज़ेदार। मैं इस सिटी का फ़ैन हो गया हूँ। अभी इसका कलर देखो येलो हो गया है। भाई मैं ऐसे कपल का ना भला कर देता हूँ, बेचारे परेशान हो रहे थे फ़ोटो लेने के लिए। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं मेरी बाइक ये चोरी हो गई तो मेरा पासपोर्ट रख लेगा। हमें और इसका कलर इस तरह से चलता है। सामने कहीं क्लब के अंदर पार्टी हो रही है, यहीं से मैं आपको डांसर दिखाता हूँ सड़क के दूसरी तरफ। और वहाँ से मैं निकल गया, अब दूसरी जगह जा रहा हूँ मैं। सनसेट बहुत अच्छा दिखाई देता है वहाँ से। मैंने आपको दिन में दिखाया था ड्रैगन ब्रिज, वहीं पे मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि सनसेट होने वाला है। और मैं ऑलमोस्ट पास में ही पहुँच गया हूँ इसके। और ये मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था, ये वियतनाम के झंडे लगे हुए हैं चारों तरफ और हवा से इतने प्यारे लहलहा रहे हैं। काश यहाँ पे हमारा इंडिया का झंडा होता इस तरह सर्किल में तो और कितना खूबसूरत लगता। इस तरफ बीच है और इधर ये वाली रोड जा रही है ड्रैगन ब्रिज के लिए, तो मुझे ड्रैगन ब्रिज के पास ही पहुँचना है। बिल्कुल अल्टीमेट मज़ेदार। मैं इस सिटी का फ़ैन हो गया हूँ, दनांग सिटी का। मैं अपनी लाइफ में कभी पटाया नहीं जाऊँगा यहाँ आने के बाद। तो फ़िलहाल मैं आ गया हूँ रिवर साइड, जहाँ मैं दिन के टाइम पे आया था। सुबह मैं नदी के उस तरफ था और अभी मैं नदी के इधर की तरफ हूँ। और इधर मुझे मार्केट का एरिया दिखाई दे रहा है, ज़्यादा हैपनिंग सा लग रहा है, ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसके सामने ये 24/7 का एक मार्केट है, एक कैफ़े है और सबवे भी है यहाँ पर। और ये सामने की तरफ ड्रैगन ब्रिज दिखाई दे रहा है। अभी ट्रैफिक मुझे रोड क्रॉस करनी है, अभी ट्रैफिक कम है तो जल्दी से कर लेते हैं। और इसके यहाँ पे भी बहुत अच्छा कैफ़े बनाया हुआ है ना, मरीना कैफ़े के नाम से। How much? 100. 100 is too much. पता नहीं कैसा लग रहा है, चश्मा लेने की सोच रहा हूँ। दूसरा देखें, दिस वन ये थोड़ा छोटा लग रहा है लेकिन सही है। ये सही लग रहा है चश्मा, यही ले लो। एवरग्रीन फ्रेम है खैर ये तो। और इसमें कोई और शेड हो तो मैं दूसरा। हाउ मच? 200? नो, 100. 100. 100, ओके। 150 फाइनल, ओके। तो ये 150 में मैंने ले लिया है, तकरीबन आप मान लो 400 रुपये का पड़ेगा लगभग ये मेरे को, क्योंकि मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है ये। तो ये 150 का है, मुझे पड़ जाए। ओके ओके, थैंक यू। कम ऑन। सही लग रहा है वैसे तो, मुझे चश्मे की जरूरत भी थी। दूसरा वाला फ्रेम मेरे को सूट नहीं कर रहा था, मैं नया लेके आया था इस टूर के लिए लेकिन वो सूट नहीं कर रहा था, फिलहाल मैंने ये ले लिया है। और इसको लेकिन लगाएंगे हम कल, क्योंकि अभी शाम हो गई है, शाम को मैं चश्मा लगाऊंगा तो कोई मेरे को C4 वही बोलेगा जो आप समझ रहे हो। और क्वालिटी वाइज भाई बहुत ही बेहतरीन है ये चश्मा। कम से कम 1000 रुपये का मिलेगा इंडिया में, जो ये फुटपाथ पे मिल गया मुझे सिर्फ। लगभग ये पड़ गया मुझे 450 का, 450 का कोई बुरा नहीं है, बहुत अच्छा क्या मिल गया है मुझे ये चश्मा क्वालिटी वाइज। मैं रिवर के इस साइड जानबूझ के आया हूँ, क्योंकि वो साइड जो थी वो रिवर जो ये ड्रैगन है, इस ड्रैगन की बैक साइड थी, वहाँ पर टेल दिखाई दे रही थी ड्रैगन की। और इधर की तरफ ये इसका मुँह दिखाई दे रहा है ड्रैगन का, तो ये राइट साइड है शूट के लिए। गूगल ने मुझे ये रिकमेंड किया इस बार। और एक ये ड्रैगन भी बना रखा भाई इन्होंने, ये भी ड्रैगन ही है। और ये ही यहाँ पर गूगल पे सर्च कर रहा था तो मैं बार बार तो ड्रैगन का शॉट जो दिखा रहे थे, ज़्यादा पिक्चर आ रहे थे इसके ही आ रहे थे, तो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पड़ेगा। तो ये भी राइट साइड में ही पड़ा है रिवर के, वो थी बैक साइड रिवर की, तो उस साइड से मुझे उल्टा दिखाई दे रहा था ड्रैगन, इधर से सीधा दिखाई दे रहा है ड्रैगन।
मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा इस जगह का, और अगर आप दानांग आते हैं तो इस जगह पे शाम को ही आइएगा, दिन में आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी थोड़ी देर में इस ड्रैगन की ना लाइट ऑन हो जाएगी और ये और खूबसूरत नज़र आने लगेगा। फिर ये छोटी सी शॉप है, की रिंग बना रहे हैं, ये एक कैफ़े है, छोटा सा आइसक्रीम पार्लर है, और ये साइड सीनिंग के लिए यहाँ पर ये बनाया हुआ है, एक सा पूरा अलग से गुंबद सा बनाया हुआ है, और ये इसका नाम है। और ये देखिए पीछे लाइट ऑन हो गई है इस ड्रैगन की, अभी ग्रीन लाइट, और लाइट कहते हैं चेंज होती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, इसकी येलो रेड इस तरह से लाइट चेंज करता रहता है। और यहाँ शो होता है रात को 9 बजे, लेकिन वो सैटरडे और संडे में ही होता है केवल, आज है फ्राइडे तो मैं नहीं देख पाऊँगा, कल की मेरी फ़्लाइट है तो मुझे जल्दी मतलब करीब 8-9 बजे करीब मुझे एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा, इसलिए कल भी नहीं देख पाऊँगा। हालांकि पूरा दिन मैं इधर ही हूँ अभी, क्योंकि मेरी नाइट की फ़्लाइट है बाली के लिए। कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये सब, अल्टीमेट दानांग सिटी तो यार मेरा मोस्ट फेवरेट हो गया है। अब तक भी मैं जहाँ जहाँ भी घूमा हूँ दानांग सिटी मेरा मोस्ट फेवरेट हो गया है। और यहाँ से बोट राइड के लिए जाते हैं लोग बाग, बोट राइड है यहाँ पर, बोट राइड का टिकट लेके आप लोग घूम सकते हो इसके अंदर, रिवर के अंदर। ये रिवर है, समुद्र नहीं है ये। अभी देखिए अभी ये ड्रैगन येलो कलर का हो गया है, जब इसके बार बार कलर चेंज हो रहे हैं। और कमाल की बात है मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आया हूँ यहाँ, इस टाइम पे यहाँ लाइट ऑन हुई है पीछे ड्रैगन की, और मैं बिल्कुल सही टाइम पे आके लगा हूँ यहाँ पे। अभी इसका कलर देखो येलो हो गया है, और काफ़ी बड़ा है ये ब्रिज। ये बड़ा हैपनिंग सा इन्होंने बना रखा है, घूमने के लिए जगह है ये, पूरा पेडिस्टन बना रखा है इन्होंने पानी के ऊपर दोनों साइड से। अभी चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये इन्होंने पानी के बीच में एक रास्ता सा बना रखा है, इसको और फॉलो कर लेते हैं। यहाँ बहुत ही क्यूट शॉप है, छोटे छोटे गिफ्ट आइटम हैं, सोवेनियर मिल रहे हैं यहाँ पर ये। और ये वियतनाम की बहुत ही ट्रेडिशनल कैप है, इसका इन्होंने विंड चेन बना रखा है, और वियतनामी मैग्नेट हैं ये। Don't worry, I am a professional photographer. Oh, in India. Okay. Do you want this side? Come. Pro, this. Pro. I am a wedding photographer. Yeah. Make some pose. Yes. Look at each other. Look at each other. Look at each other. Yeah. Smile face. Please, one more, bro. Turn each other. Turn together. Yes. Both. Come closer. Come closer. Your hand will be on shoulder. Your hand. Yes. Come closer. Left hand. Yeah, perfect. Yeah, now look here. Wait. Okay. You want more? Maybe. Actually, I'm a wedding photographer, so I know how to pose. Yeah. Nice picture? Is it very good? Is it good? Yeah, proper light not coming on your face actually. Yeah. Because the light in downside. Okay? Yeah, it's good. Okay, thank you. तो भाई मैं ऐसे कपल का ना भला कर देता हूँ, बेचारे परेशान हो रहे थे फोटो लेने के लिए, तो मैंने पहले अपना पिक्चर उनसे क्लिक करा लिया, फिर मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारा भी उद्धार कर दूँ। तो 4-5 पिक्चर उनके क्लिक कर दिए, अच्छे से खुश हो गए दोनों। और यहाँ शिप का एक डिज़ाइन, शिप के डिज़ाइन में रेस्टोरेंट बना रखा है ये, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले दूर से मुझे लग रहा था कोई शिप खड़ा है, लेकिन ये कैफ़े रेस्टोरेंट है, जो पैराडाइज कॉफ़ी रेस्टोरेंट इसका नाम है।
चलिए तो फिलहाल यहाँ से करते हैं वाइंड अप। बहुत देर हो गई, मैंने बहुत देर तक वीडियो बनाता रहा, फ़ोटो खींचता रहा और एक टाइम लैप बनाया है, लेकिन पता नहीं कैसा आया होगा। अब यहाँ से निकलते हैं और भूख लग रही है यार, कुछ खाता हूँ मैं, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करके निकला था, फिर मैंने दिन में आज कुछ नहीं खाया। तो इस तरफ से चलते हैं, इधर से रास्ता दिखा रखा है, थोड़ा सा दिखा रहा है, शायद निकल जाएगा ये रास्ता। मेरी बाइक खड़ी है वहाँ पर, वो वाली बाइक। मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि कहीं मेरी बाइक ये चोरी हो गई तो वो मेरा पासपोर्ट रख लेगा। मेरा पासपोर्ट रखा हुआ है उसने, मतलब कोई आईडी रखते हैं वो, और आईडी पासपोर्ट ही होती है हमारे पास। यहाँ पे आधार कार्ड तो मैं लेके आया नहीं, तो उसने मेरा पासपोर्ट रखा हुआ है, गाड़ी दे रखी है। अब मैं यहाँ से वापस चलता हूँ होटल। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे रोड क्रॉस करनी है, चलो जल्दी से कर लेता हूँ। और यहाँ पर राइट हैंड ड्राइविंग चलती है तो मुझे उल्टी साइड पहले देखना पड़ता है। मैं हमेशा मोबाइल को ऑन करके ही क्रॉस करता हूँ रोड को, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो ये खड़ी मेरी एम्पाला, अब उठाते हैं बाइक और चलते हैं। फिर हो ची मिन्ह की तरह यहाँ पर भी ये बच्चे डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे यंग बच्चे हैं जो टिकटॉक वगैरह या फिर डांस ग्रुप होंगे जिनके, ये लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं रात को, मतलब इतनी खुशगवार जगह पर आकर अपना म्यूज़िक बजा रहे हैं और डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सारे यंग बच्चे हैं, मोस्टली लड़कियां हैं सारी। और मैं अभी इसके ड्रैगन ब्रिज के काफ़ी पास आ गया हूँ, उस टाइम मैं थोड़ा दूर था तो मैं थोड़ा पास आ गया हूँ। मैं पास से आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एक यहाँ पर इन्होंने क्रिसमस के लिए बनाया होगा ये क्रिसमस ट्री, जो भी गया है पीछे। तो यहाँ रात को भी ना क्लाउड कितने प्रॉपर दिखाई देते रहते हैं, मेरे समझ में ये नहीं आता कि ये मेरे मोबाइल का कमाल है या एक्चुअल में ऐसे ही। वैसे आँखों से भी ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि मेरे मोबाइल से दिख रहे हैं, आँखों से भी इतने क्लाउड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और ये इस तरह के क्लाउड इंडिया में नहीं दिखाई देते मुझे रात को। और ये ऊपर ब्रिज पर जाने का रास्ता है, यहाँ से ऊपर ब्रिज पर जा सकते हैं। एक बार चलते हैं ब्रिज पे भी, चलो। और यहाँ से ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा क्योंकि मैं बिल्कुल इसके पास ही आ गया हूँ ब्रिज पे। और इसका कलर इस तरह से चलता है। यहाँ पे भी ये भाई ऐसे फ़ोटो वाला खड़ा हुआ है और ये हाथ के हाथ प्रिंटर लगा रखा है, इन्हें बड़ा प्रिंटर लगाया हुआ है, इन्हें बड़ा प्रिंट दे रहा, 8x12 का प्रिंट दे रहा निकाल के। फ़ोटो का काम धीरे धीरे चलता ही रहता है कहीं ना कहीं, लोगों को फ़ोटो से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, फ़ोटो वीडियो से तो मोहब्बत होती है सबको यार, सब क्यों, हर कंट्री के लोगों को होता है फ़ोटो वीडियो से मोहब्बत, सबको ही होती है ये चीज़, लाइफ टाइम कभी बंद नहीं होने वाली। सामने से बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं उस टाइम। एक कैंडी वाला है, कैंडी बना रहा है और इसका मैं आपको डिज़ाइन दिखा दूँ क्या डिज़ाइन बनाएगा ये। प्लेट में लगा दिया मैंने इसको। आँख नाक बना दिए इसके पूरे, आँख नाक बना दिए इसके साथ, अभी इसकी टांग भी बनाएगा और सींग बना दिए इसके। ओ भाई और इसके अंदर इसको पैक कर दिया। ये इसका लटका देगा ऐसे बना रखे हैं ना, बहुत सारे बना रखे हैं।
काम में कहीं क्लब के अंदर पार्टी हो रही है, यहीं से मैं आपको डांसर दिखाता हूँ सड़क के दूर बहुत। ये है मेरे मोबाइल S23 अल्ट्रा का कमाल। मैं सड़क के दूसरी तरफ हूँ, ये बहुत दूर मैं क्लब में डांस हो रहा है, तो मैंने इसके अंदर से आपको डांसर दिखा दिया। जब ये देखो कितनी दूर है, कृपया करके वीडियो बच्चे ना देखें। और मैं बाइक से जा रहा था और मुझे रास्ते में दिखाई दिया। और एक बार फिर से वीडियो बना लेता हूँ थोड़ी सी होटल पहुँचने से पहले पहले। और मुझे पूरा मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। ये शॉप थी जहाँ से मैंने बाइक ली थी और इनको बाइक दे दी। बहुत सारी बाइक हैं भाई इनके पास में, बहुत सारी सो मैनी बाइक्स, बहुत सारी बाइक हैं और सबकी कंडीशन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बहुत गजब गजब की बाइक हैं। अभी यहाँ ये वाली बाइक थी मेरे पास में, नहीं ये नहीं थी, कोई और थी, और बहुत अच्छी कंडीशन है। ये लेडी बड़ी अच्छी है, अच्छी आदत है, हंसमुख है। तो मैंने अब बाइक वापस कर दी, जबकि सुबह को ला के दूँगा तो भी एक ही बात है, मेरे होटल पे खड़ी रहेगी अब सारी रात, क्या फ़ायदा। मैंने कैसे यहीं खड़ी कर दूँ, और कल मेरी शाम की फ़्लाइट है तो मैं कल लेके क्या करूँगा। ऑलमोस्ट मैं काफ़ी घूम चुका हूँ, कल एक दो जगह अगर दिन में फुर्सत मिली तो चला जाऊँगा 12 बजे चेकआउट करने के बाद लेके। तो इसलिए मैंने कहा 12 बजे के बाद, 10 बजे के बाद दूंगा, तब भी एक ही बात है होटल पे खड़ी रहेगी, तो मैं आके वापस कर दी बाइक। और केवल 300 रुपये में ये बाइक दे रही है, इंडियन करेंसी में 300 रुपये, वियतनामी करेंसी में 1 लाख डॉन, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। और पेट्रोल भी बच गया, बल्कि मैंने पूरे दिन चलाई है, मेरे से पूरा पेट्रोल भी नहीं फूका, पेट्रोल भी बच गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ लोगों को लगेगा ये चिकन है, मुर्गा, यानी कि ये मुर्गा नहीं है, ये है टर्की। टर्की एक बर्ड होती है, मुर्गे जैसी लगती है। मैं साइड में उसका पिक्चर डालूंगा तो आप समझ जाओगे। और ये पूरा पूरा इन्होंने वो उसके बाल बाल निकाल के, उसके पंख वंख सारे निकाल के पूरा पूरा लगा रखा है। और ये ऑटोमेटिक रोस्टर है, इसके ऊपर चल रहा है और ये मशीन से चल रहा है। यहाँ पर मशीन, ये चैन लगी हुई है, ये चैन के थ्रू ये पूरा अपने आप ही घूम रहा है कंटिन्यू, और नीचे सिक रहा है। हल्की हल्की आँच पे ऐसे ही सिकता रहेगा करीब 1 घंटे तक, और बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं खाता हूँ, डोंट वरी। मैं सिर्फ चिकन खाता हूँ और एग खाता हूँ, लेकिन ये टर्की वर्की कभी मैंने ट्राई नहीं किया। और ये लाइव सिंगिंग कर रहा है सर। अभी अपनी रेडी कर रहे हैं, कुछ वीडियो बजाएंगे। और ये वियतनामी है, लेकिन ये अमेरिकन लग रहा है हाइट वाइट से, लेकिन फेस कट इसका वियतनामी जा रहा है, बाकी कुछ पता नहीं। यहाँ पे अमेरिकन भी हो सकता है, ये जॉब कर रहा हो यहाँ पर कोई, बहुत अच्छा बजा रहा है। बहुत बढ़िया गा रहा था यार वो, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कहीं डीजे पे ही बज रहा हूँ बिल्कुल। और यार डिनर का, डिनर जल्दी करने का सीन है, ये लोग डिनर कर लेते हैं अराउंड 7 बजे तक, और उसके बाद में दारू पीने का सिलसिला चालू होता है, वो चलता रहता है 11-12 बजे तक। जिसके पास भी जितनी देर तक का टाइम है वो उतना खाता पीता रहता है, मतलब पीता रहता है, खाते ही पहले ही चुके होते हैं। ये कितने अच्छे कैंडील लगाए हुए हैं इन्होंने। तो मैं जहाँ पे रोज़ खाता हूँ अपना हॉट डॉग चिकन, तो मैं तो अपना उसी जगह आ गया हूँ। और
और ये 7-Eleven यहाँ नहीं है, 7-Eleven की जगह और बहुत सारी मार्ट हैं यहाँ पर। ये देखिए जो है ये पके हुए आम के स्लाइस हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे आम पापड़ होता है उस टाइप का ही रॉ आम है ये, और बहुत अच्छी पैकिंग है इसकी, सॉलिड है ये प्लास्टिक पैकिंग मिल रहा है। और यहाँ पे इन्होंने रेट वगैरह नहीं लिखे हुए हैं किसी भी चीज़ के, और यहाँ इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर भी रेट नहीं होता। ये जो बार कोड होता है ना, बार कोड को ये स्कैन करते हैं तब रेट आता है इनकी मशीन में, मतलब ख़रीदने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं सस्ता खरीद रहा हूँ महंगा खरीद रहा हूँ, थोड़ी सी ये इनकी मोनोपोली लगी मुझे। बाकी ये सब वाइन रखी हुई हैं, रेड वाइन, ब्लैक वाइन, वाइट वाइन, सारी वाइन है लाइन से। और ये बियर रखी हुई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, अच्छा खासा डिपार्टमेंट स्टोर है। और कैप भी रखी हुई हैं, लेकिन कैप ट्राई करते हैं कितने कितने की हैं। $300 रेट, 75,000 की है ये कैप, 75,000 यानी कि 75,000 की तो कुछ भी महंगी नहीं है ये, अगर देखा जाए तो वियतनामी डोंग में 75,000 यानी कि करीब 200 रुपये की मिल रही है, तो 200 रुपये की वियतनामी डोंग में 75,000 वियतनामी डोंग की है, तो ये लगभग 200 रुपये की पड़ेगी। 200 रुपये के हिसाब से तो कैप सही है, एक कैप ली जा सकती है फिर, लेकिन मुझे पसंद भी तो आनी चाहिए, मुझे पसंद भी तो नहीं आती है, डिज़ाइन नहीं समझ में आते मुझे अक्सर। चलिए तो फिलहाल वीडियो करता हूँ मैं यहीं पर ख़त्म। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप सो आपको पसंद आ रही होंगी मेरी वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ, और इसी तरह जुड़े रहिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।